भुट्टे का सीजन है और ये भुट्टे का टिक्की नहीं बनाई तो क्या बनाई। तो चलिए मिलके बनाते हैं इस आसान सी रेसिपी को। तो इसके लिए हमने बॉयल्ड स्वीट कॉर्न लिया है, ये 1 कप है। आप भुट्टा ले आइए, उसको 5-6 मिनट के लिए पानी में बॉईल कर लीजिए, तो आपका बॉयल्ड स्वीट कॉर्न तैयार हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा दरदरा पीस लेंगे, तो इसको चॉपर में डाल देंगे और इसका ढक्कन लगा के ऐसे 4-5 बार खींचेंगे तो ये हमारा तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमने दरदरा पीस के तैयार कर लिया है, थोड़ा खड़ा है और थोड़ा सा पीसा है, ऐसा ही हमें चाहिए। और ये हमने लिया है 1 बड़े साइज का आलू, अगर आप मीडियम साइज का ले रहे हैं तो 2 ले सकते हैं। तो इसको हम इसी में कद्दूकस कर देंगे मोटे वाले से। तो देखिए ये हमारा सारा कद्दूकस हो गया। अब हम इसमें 1 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसमें हम आधा गाजर डालेंगे कद्दूकस किया हुआ, आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं बारीक बारीक। और अब हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन घिसा हुआ, ये 4-5 कली थी, बड़ी बड़ी कली थी, इसको हमने घिस लिया है डाल देंगे। और 4-5 हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटा हुआ, और उसके बाद आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 2-3 चम्मच डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच हम डालेंगे चाट मसाला, इससे बहुत टेस्ट अच्छा आता है। और 1 पैकेट डाल देंगे हम मैगी मैजिक मसाला, अगर ये ना हो तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, नमक आप ध्यान से ही डालें क्योंकि चाट मसाला में भी नमक रहता है। और आधा चम्मच हम अजवाइन क्रश करके डाल देंगे ताकि अच्छा फ्लेवर है। और 1 चम्मच तेल डालेंगे, ये रिफाइंड ऑयल है, डाल देंगे। और 1/4 कप हम डालेंगे चावल का आटा, चावल के आटे की जगह पे आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। पहले इसको डाल के मिला लेंगे और उसके बाद हम 4 हमने ब्रेड लिया है इसका क्रम बना लिया है और इसमें से हम आधा पहले डालेंगे और हमें गीला लगेगा तो फिर डालेंगे वरना नहीं डालेंगे, पहले हम मिलाएंगे इसको। तो देखिए हमें गीला लग रहा है तो सारा हम डाल देंगे। तो देखिए हमने सारा डाल दिया है, इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमारा मिल चुका है। अब हम 1/4 कप बॉयल्ड स्वीट कॉर्न डाल देंगे, हमने बचा के रखा था थोड़ा खड़ा डालने के लिए, क्योंकि खड़ा डालिए तो दांतों के नीचे आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो डाल के मिला देंगे और देखने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए हमने सारा मिला लिया है और अब हम हाथों को साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसको ऐसे टिक्की के शेप में बना लेंगे। और आप चाहे तो गोल गोल भी बना सकते हैं, अगर कम तेल में आपको बनाना है तो गोल गोल बना के अपने पैन में तल दीजिए, पर हम पैन में इसको सेलो फ्राई करेंगे। और आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे ही हम सारा टिक्की बना के तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा सारा टिक्की बन के तैयार है। तो चलिए अब हम इसको सेलो फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमने तेल को 4-5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है, ये गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके टिक्की इसमें डालते जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि आप पैन में भी गोल गोल करके बना सकते हैं कम तेल में या फिर घी में। तो अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो तवे पे घी लगा के और उसको सेक के दे दीजिए, तो बच्चे के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा वैसे। तो जैसी आपकी मर्जी वैसे आप बना सकते हैं और हम तो सेलो फ्राई कर रहे हैं। तो देखिए पहले हम थोड़ा सा इसको सेकेंगे और उसके बाद ही हमें पलटना है, क्योंकि अगर ऐसे ही कच्चे में पलट देंगे तो बिखरने का भी डर रहता है, बिखर सकता है। तो थोड़ा सा सेक ले, उसके बाद ऐसे अल्टी पल्टी करते हुए बढ़िया से गोल्डन ब्राउन करके इसको निकाल ले। तो ऐसे हम उलटते पुलटते हुए इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और इसको हमें सेकने में ना 5 से 6 मिनट लगा है, ये अच्छे से सिक गया है। और यहाँ हमने मीडियम फ्लेम रखा है, तो देखिए सिक गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे, देखिए हमारा बहुत ही अच्छा कलर आया है, अच्छे से सीख के तैयार है। अब हम इसको निकालेंगे, तो देखिए ऐसे रोक के रखेंगे किनारे पे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो ना निकल जाए। तो सारा हम ऐसे निकाल लेंगे, तो देखिए ऐसे ही सारा हम बना के तैयार कर लेंगे बाकी का जो बचा है। तो लीजिए ये हमारा बहुत ही मस्त मज़ेदार कॉर्न टिक्की बन के तैयार है। अब देखिए क्या मस्त लग रहा है, इसको हम तोड़ के दिखाते हैं। देखिए अंदर से भी बहुत बढ़िया से पका हुआ है। तो आप इसे बच्चों के टिफिन में दें या फिर शाम के चाय के साथ खाएं या फिर रिमझिम बारिश में इसका आनंद उठाएं, तो इसको आप कभी भी बना के खा सकते हैं, बहुत मजा आता है। तो इसे आप जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।